राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको तीन रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको अगर तीन का बनाना चाहो तीन का बना लो, चार का बनाना चाहो चार का बना लो, दो का बनाना चाहो दो का बना लो। एक डिजाइन ये तीन फंदे का बनेगा और एक कोने से डिजाइन है नया शुरू होगा, एक कोने पर डिजाइन है बंद होगा। जैसे बची हुई ऊन है कितने रंग लगा लो इसमें वो आपकी मर्जी है। अब मैं पहले दो फंदे नीले बना लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यही तीन फंदे बनाने पूरी सिलाई में, दो फंदे सीधे बना लेंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब ये पहली सिलाई है, सीधी सिलाई है, पूरी सिलाई इस तरह उतार लेंगे। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई भी हमें साइड हमारी ये उल्टी है और फंदे हम सीधे बना रहे हैं, जो फंदे बना रखे हैं उन्हीं को बनावेंगे और सीधे बनावेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके जो स्लिप कर रखा है उसको स्लिप कर लेंगे। अब यही तीन फंदे बनाने हमने, पीछे धागा करके दो फंदे सीधे बना लेंगे अपनी तरफ धागा करके, जो ये हमने पहली सीधी सिलाई में भी स्लिप करा था ये फंदा, अब दूसरी उल्टी में भी स्लिप कर रहे हैं। दो फंदे सीधे बना लिए अपनी तरफ धागा करके, ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे सीधे बना लिए अपनी तरफ धागा करके, ये फंदा स्लिप कर लिया। सारी सिलाई सीधी उतरेंगी, उल्टी सिलाई सारी इस तरह उतरेंगी जिस तरह उतार रही हूँ, अपनी तरफ धागा करके ये स्लिप करना है, जो बना रखे उनको सीधा बनाना है। और जो सीधी सिलाई उतरेंगी पूरी कोटी में सारी इस तरह उतरेंगी, जो अब पहली सिलाई बनाई है, बस फंदा बदल देंगे हमें और रंग बदल देंगे, बनेंगी सारी सेम इसी तरह ही। अब हम ये क्रीम रंग लगा लेंगे। अब क्रीम रंग में हमने किस तरह क्या करना है देखो। अब ये फंदा क्रीम और ये आगे वाला, इन दो को क्रीम बना लेंगे, ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे ऐसे। अब इन दो को बनाना है क्रीम, एक ये और एक फंदा ये, इसके पीछे वाला स्लिप कर लेंगे। ये तो वैसे धागा आ रहा है, एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे करीब बना लिए, इन तीन को बार बार बना लेंगे, एक स्लिप कर लिया। अब इन दो को बना लेंगे, एक आगे वाला नीला जो ये करीम बना लेंगे, ये जो करीम है इसको भी करीम बना लेंगे, दो फंदे करीम बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे करीम बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे करीम बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे करीम बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया। बना इसी तरह रहे हैं, बस थोड़ा सा फंदा बदल दिया। अब एक फंदा बचा यहाँ करीम। अब चौथी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई आ गई। अब जो फंदे हमने बना रखे हैं उनको तो हम सीधा बना लेंगे, जो फंदे हमने स्लिप कर रखे उनको हम स्लिप कर लेंगे, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे बना लिए अपनी तरफ धागा करके, एक फंदा स्लिप कर लिया। अब ये चौथी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, एक दो, एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे सीधे बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे सीधे बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे सीधे बना लिए एक फंदा स्लिप, ये फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब ये चार सिलाई होगी। अब हम तीसरा रंग लगा लेंगे पांचवी सिलाई में, तीसरा रंग हम लाल लगा लेंगे। अब इसमें भी देखो, अब ये स्लिप कर रखा है एक, ये इससे आगे वाला, इन दो को हम लाल बना लेंगे, ये स्लिप कर लेंगे। अब ये फंदा लाल बनेगा, एक लाल बना लिया और ये फंदा स्लिप कर लिया। अब इन दो को लाल बना लेंगे, एक और दो, फिर ये फंदा स्लिप कर लिया। अब इन दो को बना लेंगे, दो फंदे लाल बना लिए एक फंदा स्लिप कर लिया,
दो फंदे लाल बना लिए, एक फंदा स्लिप कर लिया, एक एक फंदा इस तरफ बढ़ रहा है हमारा डिजाइन, ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे लाल बना लिए, एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे लाल बना लिए, कोने वाला स्लिप कर लिया। अब आ गई छठी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई भी हम जो फंदे हमने स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर लेंगे, जो बना रखे उनको हम सीधा बना लेंगे। सीधी में भी सीधा बना रहे हैं और उल्टी में भी सीधा बना रहे हैं। अगर एक और रंग लगाना है तो आठ सिलाई का डिजाइन बनेगा। फिर ये सिलाई तो इसमें वैसे एक एक फंदा आगे बढ़ रहा है तो सिलाई तो गिनती में नहीं आने की, बस एक तरफ से घटता रहेगा एक तरफ बढ़ता रहेगा। अब ये छह सिलाई में इस तरह बने है। अब फिर हम करीम लगा लेंगे। करीम धागा नीले नीले दो सिलाई के बाद भी करीम धागा, लाल की दो सिलाई के बाद भी करीम धागा। अगर आपने करीम आगे नहीं लगाना है तो और कोई लगा लो कुछ बीच बीच में, वो आपकी मर्जी है। मैं इस तरह बना रही हूँ। अब करीम फिर लगा लेंगे। अब ये आगे वाले दो करीम बनेंगे। अब ये फंदा स्लिप कर लेंगे। अब इन दो को करीम बना लेंगे, ये फंदा स्लिप कर लेंगे, इन दो को करीम बना लेंगे, ये फंदा स्लिप कर लेंगे। जिस रंग का फंदा स्लिप कर रखा है अगला धागा लगाएंगे उस टाइम वो फंदा उससे आगे वाला उसी रंग का बनाना है। ये स्लिप कर लिया। अब देखो ये वाला फंदा इससे आगे वाला है, ये बना लिया और एक ये बना लिया, फिर ये स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे फिर बना लिए। अब उल्टी सिलाई फिर इस तरह बनेगी। सारे फंदे जो हमने बना रखे उनको सीधा बना देंगे और जो स्लिप कर रखे उनको अपनी तरफ धागा करके स्लिप कर लेंगे। ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा अपनी तरफ धागा करके स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे सीधे अपनी तरफ धागा करके स्लिप कर लिया। अगर आपने चौथा रंग और लगाना है, अब चौथा रंग लगा लो। अब देखो अब ये आठ सिलाई होगी, यही आठ सिलाई बार बार बनानी है हमने। पहले दो सिलाई नीले की बना दी, फिर दो करीम की बना दी, फिर दो लाल की बना दी, अब दो फिर करीम की बना दी। बने आठ डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा ये। अब देखो एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ। अब आठ सिलाई के बाद फिर ये नीला धागा फिर लगेगा। नीला धागा हम देखो इन दो को नीला बना देंगे, ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे, एक दो, फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे, इन दो को नीला बना देंगे, फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे, इन दो को नीला बना देंगे, ये फंदा स्लिप कर लेंगे, ये दो को हम नीला बना देंगे, ये स्लिप कर लेंगे, दो को हम नीला बना देंगे। अब ये कोने वाला फंदा नीला हो गया। अब उल्टी सिलाई फिर इसी तरह जो फंदे हमने बना रखे उनको बना लेंगे और जो फंदे हमने स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर लेंगे। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।